यहाँ पे शुरू करें अंदर करें शुरू? अच्छा शुरू कर लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक नए ब्लॉग के साथ मैं फात भाई, ए हमारे सामा चौधरी साहब एक दफा फिर से एम्पोरियम मॉल में आ चुके हैं। वही कल वाला हमारा इवेंट है, हम पहुंच गए फिर से। हमारा जी इवेंट का लास्ट डे है और यहाँ पे वो फिनिश करने लगे, वाइंड अप करने लगे, तो हम कोशिश करेंगे कि मैडम का इंटरव्यू लें और इंटरव्यू को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और क्या चीज करनी थी? वही था, इंटरव्यू कवर करना था। और उन्होंने कहा था कि आपको एक न्यू ऑडियंस दोबारा मिलेगी बातचीत करने के लिए, तो इंशाल्लाह हम उनसे भी जाकर दोबारा मिलेंगे। शायद कोई नई चीजें आई हो, उन प्रोडक्ट्स को भी दोबारा कवर करेंगे, उनसे भी इंटरव्यू लेंगे और फिर से मेंशन करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, और सामन भाई हमारे इंटरव्यू लेंगे। ठीक है सामन भाई, चलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सामन। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं एम्पोरियम मॉल लाहौर, यहां पर 4 डेज कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन की जानिब से एग्जीबिशन का खास एहतमाम किया गया, जिसमें लाहौर क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जिला के लोग आए हैं और इस एग्जीबिशन को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो है ये प्रोडक्ट्स वगैरह रखी गई हैं, जिसमें लोग परसेंटेज के हिसाब से अपनी जो है खरीद फरोख्त करते हैं और इसको इंजॉय कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइजर हमारे से मौजूद है मैडम फौजिया, आइए इनसे जानते हैं एग्जीबिशन के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताएं, ये जो एग्जीबिशन हो रहा है 4 दिन का, ठीक है, ये क्या हर साल होता है, इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे आप? ये एग्जीबिशन जो है हमारा कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन की तरफ से है और ये क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो हम लोग जो है इसको कर रहे होते हैं एम्पोरियम में, और यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो खवातीन आती हैं जो ग्रास रूट लेवल से लेकर अब तक ट्रेनिंग्स के थ्रू जो है वो इस मुकाम तक पहुँचती हैं। यहाँ पर जो है उनकी क्रॉस नेटवर्किंग जो है वो चल रही होती है, क्योंकि एक शहर का दूसरे शहर के साथ जो है वो रबता बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये खवातीन जो है यहाँ पर आके ना सिर्फ अपनी अशिया को, कपड़ों को फरोख्त करती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाती हैं, उसके अलावा ये लोग आपस में भी क्रॉस नेटवर्किंग करते हैं ताकि एक जिले का काम दूसरे जिले में भी जा सके। इसमें कोई परसेंटेज वगैरह भी होती है? नहीं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ये खवातीन जो है यहाँ पे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग इनको स्टॉल देते हैं, इनकी रिफ्रेशमेंट वगैरह हर चीज ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो अगर और की हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और की आना चाहे, उसकी क्या यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसका ये है कि वो आए यहाँ पर विजिट करें, अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ क्राफ्ट्स है। हर बंदा मुल्तान नहीं जा सकता, हर बंदा बहावलपुर नहीं जा सकता, यहाँ पर रंगियर खान से लोग हैं, बीजी खान है, बहावलपुर है, लाहौर है, कसूर है, तो यहाँ पर सबको एक ही छत के नीचे जमा करने का मकसद है कि आपको हर चीज़ एक ही जगह से प्रोवाइड हो सके। क्या हर साल आपका यहाँ पर एग्जीबिशन होता है? जी ये हमारी यहाँ पर 18वीं एग्जीबिशन है जो कि हम लोग इसी वेन्यू पे ही कर रहे हैं। हमारी क्वार्टरली बेसिस पे भी होती है, 1 मंथ के बाद भी होती है, ये हमारा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा होता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर जो है आप करती हैं? अभी हमारी ये एम्पोरियम में है और इसके अलावा इंशाल्लाह आगे हम लोग फैसलाबाद में जो है वो इंशाल्लाह कर रही है। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहिए आप? पैगाम से यही हासी, ये हुनरमंद खवातीन है और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई हमारे ही मुल्क की खवातीन इतनी बाहुनर हैं और माशाल्लाह जब अपने घरों से निकलती हैं, ना सिर्फ ये अपनी फैमिली को प्रमोट कर रही होती हैं बल्कि अपने साथ जुड़े हुए 10 आर्टिजन को भी प्रमोट कर रही होती हैं। इससे जो है वो ना सिर्फ अपने इलाके को प्रमोट करती हैं, इसके अलावा अपने पाकिस्तान के कल्चर को भी प्रमोट कर रही होती हैं। अच्छा मैम, और आपके जो ऑर्गेनाइजर वगैरह हैं उनका आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जैसे मैं यहाँ पे लाहौर में जैसे मैं होती हूँ, इसके अलावा मैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जा रही होती हूँ, इसी तरह से हमारे रीजन्स के कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि वो, जाहिर बात है वो मेल हैं और वो पूरे रीजन्स को देख रहे होते हैं, तो आप उनसे भी जो है वो बातचीत कर सकते हैं। मैं जमीर साहब को इन्वाइट करती हूँ कि वो आपके साथ वो है वो डिस्कस करेंगे। जी ठीक है। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आप सर मुझे बताएं आप ऐसा यहाँ पर क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जमीर है और मैं कारवान में एज अ रीजनल कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूं, और हम मुल्तान से आए हैं और मेरा रोल यहां पे ये है कि जितनी भी खवातीन हैं इन्हें मोबिलाइज करना, ये हमारा मार्केट लिंकेजेस प्रोग्राम है जिसमें हम जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो यहां लाती हैं और यहां डिस्प्ले करती हैं, डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर सेल आउट करती हैं और इनके यहाँ पर नए कनेक्शन डिवेल्प होते हैं जिससे जो इनका जो बिज़नेस है वो ग्रो करता है। बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है कि ये जो होम बेस्ड आर्टिजन्स हैं, जो होम बेस्ड वर्कर हैं या जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटे पैमाने पे अपना बिजनेस कर रहे हैं,
उनके बिजनेस को बढ़ाना, उनकी जो इनकम है उसमें इजाफा करना ताकि वो अपने काम को बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो इम्पोरियम माल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये अपनी प्रोडक्ट्स को ला के सेल करती हैं। एक तो यहाँ पे इनकी सेल अच्छे प्राइस में सेल आउट होती है। उसके बाद जो यहाँ पे वेंडर्स आते हैं या जो कस्टमर्स हैं वो इनके साथ एक कनेक्शन नंबर शेयर कर लेते हैं, ये कनेक्शन हो जाते हैं, बाद में इनको ऑर्डर मिल रहे होते हैं, जिससे इनको बाद में जब ऑर्डर मिल रहे होते हैं तो ये जो इनके पास आर्टिजन्स हैं उनको भी काम मिल रहा होता है। तो ये चैन वैल्यू है जिससे ये इनका कारोबार और काम जो है वो बढ़ता है। आज लास्ट डे है, ठीक है, एग्जीबिशन का, लोगों का क्या रुझान है जाकर? सॉरी समझा नहीं मैं, लास्ट डे है आज, ठीक है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो क्या वो चाहेंगे कि अगली बार इस तरह का एग्जीबिशन होना चाहिए? जी आज लास्ट डे है एग्जीबिशन का और इनकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सेल हुई है। जो ये बाजी आई हुई हैं जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हैं, इनका फीडबैक ये है कि ये दोबारा यहाँ पे आना चाह रही हैं, कि ये इवेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो इनके पास प्रोडक्ट्स हैं वो ये यहाँ पे ला के सेल कर सकें। मैसेज देना चाहिए? जी मेरा मैसेज यही है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं या इनके जो बिजनेस हैं उसको सोशल मीडिया पे जो है वो वायरल करना चाहिए, इनकी जो एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे इनके साथ कनेक्शंस करके टेलीफोनिकली इनसे रब्ता करके इनसे इनको ऑर्डर दें और इनसे चीज़ें परचेज कराएँ। थैंक यू सर। मुझे ये बताएं कि जो है ये एग्जीबिशन है जहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से हैं, किस किस जिले से आए? सर ये साउथ पंजाब के बावलपुर से लोग हैं, यहाँ पे डीजी खान से हैं, मुल्तान से हैं, रहीम ग्यार खान के लोग हैं और लाहौर के लोग हैं, यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं यहाँ पे। मतलब ये जो सदर पंजाब है वहाँ से इनकी जो मुख्तलिफ क्राफ्ट्स हैं, जो वहाँ की जो रवायती क्राफ्ट हैं उनको लेके यहाँ पे आए हुए हैं लोग। क्या जो है इसमें आप डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं? लोग मुतमिन हो रहे हैं आपसे? डिस्काउंट के साथ ही दे रहे हैं और इनके बड़े रीजनेबल प्राइस हैं। जो ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पे आके भी, इस वेन्यू पे भी आके ये काफ़ी डिस्काउंट के साथ सेल आउट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशल है। अच्छा मैम, आप एज अ एग्जीबिशन में क्या है? मैं कारवान की हेड ऑफ कम्युनिकेशन हूँ, तो उनके जो सारे कम्युनिकेशन काम होते हैं, एग्जीबिशन की हाइप जनरेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हो, उनको पता हो कि ये एग्जीबिशन का मकसद क्या, हम क्यों करते हैं, और इन खावतीन का कहानी रिकॉर्ड करना, उनकी कहानी दुनिया के साथ शेयर करना, इनका हुनर शेयर करना, तो ये सारा काम मैं करती हूँ। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एग्जीबिशन में क्या खावतीन जो है मुतमईन है यहाँ पर? फिर से रिपीट कर सकते हैं? खावतीन यहाँ पर मुतमईन है? हाँ नहीं, वो तो बहुत मुतमईन है। इससे तो उनको एम्पोरियम की एक खास बात है, जैसे फुटफॉल नेचुरली बहुत हो जाता है ना, तो इतनी ज्यादा प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है, और प्लस काम ही इतनी होते हैं, इतनी ज्यादा 100 खावतीन आई हुई हैं, तो इतने ज्यादा उनको वैरायटी मिल जाती है कि आपको फूल हैं, वो है छाबियाँ हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी में भी डिफरेंट क्राफ्ट होते हैं, मुकेश हो गया, अजरक हो गया, तो इतनी ज्यादा वैरायटी होती है, तो आई थिंक वो तो हमारे तो ब्रांड तो ज्यादा खफा हो जाते हैं हमसे कि आपने तो हमें अच्छी खासी कंपटीशन दे दी है। एग्जीबिशन के वाले से क्या करना चाहिए? हाँ एग्जीबिशन के वाले से क्या करना चाहिए? जी एग्जीबिशन हिसाब से मैं कह रही थी ना, एग्जीबिशन के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि इनकी सारी जो हाइप जनरेशन खावतीन की कहानियां रिकॉर्ड करना, इनका हुनर को डॉक्यूमेंट करना, तो आप ही की तरह मेरा थोड़ा सा मीडिया का छोटा मोटा रोल होता है कि उनके सारा काम रिकॉर्ड करना। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए? मैं बस कहूंगी कि हमें अपना लोकल कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट करें। ब्रांड भी इनसे काम कराते हैं, लेकिन उसमें खावतीन सामने नहीं आती, तो इस तरह की एग्जीबिशन होती है, आप उनकी शक्ल भी उनको मिल जाती है कि ये खावतीन है हमारी, और उनका आप सपोर्ट करें, हमें लोकल को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। सो नाज़रीन, ये था आज का एग्जीबिशन जहाँ पर लाहौर क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है जिला के लोग यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आज लास्ट डे था जहाँ पे जो हमने कोऑर्डिनेटर साहिबा, कोऑर्डिनेटर नाम हेड ऑफ कम्युनिकेशंस, हेड ऑफ कम्युनिकेशन मैडम मिसाल मसम जो थी, उन्होंने यही कहा कि इस तरह के एग्जीबिशन होना चाहिए। इसी के लिए अपने मेजबान सामने को जाते दीजिए। अल्लाह हाफिज़।